जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के मंसूबे को खत्म करने के लिए भारतीय सेना और वहां की लोकल पुलिस लगातार ऑपरेशन कर रही है। कश्मीर से कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां आतंकियों ने स्थानीय लोगों को निशाना बनाया है। अब ऐसे में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से ग्राम सुरक्षा गार्ड को ट्रेनिंग देकर स्थानीय समुदायों की सुरक्षा बढ़ाने की पहल की है। सुरक्षा बलों के इस पहल के उद्देश्य इन नागरिकों को हर जरूरी चीजों से लैस करना, ताकि ये लोग अपने गांवों को आतंकियों के खतरे से बचा सके और पूरे क्षेत्र के सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया जा सके। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 600 लोग मौजूद समय में ऑटोमेटिक राइफल, स्क्वाड, पोस्ट ड्रिल और छोटे रणनीति को कैसे अंजाम दिया जाए इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। बीडीजी के सदस्य आमतौर पर जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों की मदद करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने उन्हें नए हथियार उपलब्ध कराकर उनकी मांग पूरी की थी। इससे पहले ग्राम रक्षा गार्ड के पास 303 गन थी, लेकिन अब वो आधुनिक SLR से लैस है। जानकारी के लिए बता दें कि बीडीजी नागरिकों का एक समूह है जो सुरक्षा बलों के आने तक हमले की स्थिति में आतंकवादियों से निपटने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए उन्हें बंदूक और गोला बारूद प्रदान किया जाता है। लगभग 10 साल बाद जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होने वाले हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग की ओर से कहा गया था कि हम चुनाव में किसी भी तरह की अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे, चाहे दुश्मन घर का हो या बाहर का। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों आतंकी हमलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आतंकी कहीं आर्मी कैंप पर हमला कर रहे हैं तो कहीं आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिसके बाद सेना के इस प्लान से अब पाकिस्तान से भारत आए आतंकियों को पल भर में मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए इंडिया.com।